परिवार की आर्थिक तंगी एवं कर्जदारों से परेशान होकर 5 वर्ष पूर्व माँ ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद हालात न सुधरते देख और प्रकृति की मार के चलते पिता ने भी खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। माता पिता अपने पीछे 3 मासूम जिंदगियां छोड़ गए। यह बच्चे माता पिता का साया सर से उठ जाने के कारण सरकारी मदद के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। राजनेताओं और अधिकारियों ने वादे तो तमाम किए, लेकिन आज तक इन मासूमों को कोई भी सरकारी मदद नहीं मिली। जानकारी के अनुसार टहरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लठेसरा निवासी अरविंद सिंह पुत्र सुंदर सिंह के ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड एवं साहूकारों का मिलाकर लगभग 8 लाख रुपए का कर्जा था। वहीं दूसरी ओर प्रकृति की मार के चलते फसल भी नहीं हो रही थी। साहूकार और बैंक के अधिकारी आए दिन पैसों के लिए किसान को परेशान कर रहे थे, जिस कारण किसान के घर में खाने तक के लाले पड़ गए थे। वहीं पत्नी भी पति के कर्ज से काफ़ी परेशान चल रही थी, जिसके चलते उसने 19 मई को जहर खाकर अपनी जान दे दी। पत्नी की मौत के बाद 3 मासूमों के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ गई, लेकिन कर्जदारों से परेशान होकर पिता ने भी अपनी जीवन लीला खेत पर फांसी लाकर समाप्त कर ली। माता पिता की मौत के बाद 3 मासूम बच्चे अनाथ हो गए। किसान की मौत के बाद कई राजनेताओं और अधिकारियों ने तमाम प्रकार के आश्वासन दिए, लेकिन आज तक ना ही किसान का कोई कर्जा माफ किया गया और ना ही कोई सरकारी सहायता दी गई। इसके चलते 3 मासूम बच्चे भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। मंगलवार को आयोजित होने वाले तहसील समाधान दिवस में 3 मासूम बच्चे आर्थिक सहायता की मदद और माता पिता के कर्ज से काफी परेशान है, लेकिन तहसील दिवस में कोई भी अधिकारी मासूमों की फरियाद सुनने नहीं आया और ना ही किसी अधिकारी ने बच्चों को कोई आश्वासन दिया। तहसील दिवस के बाहर 3 बच्चे हाथों में हम अनाथ हो गए। हमारी जब इस संबंध में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी नगेंद्र सिंह से जानकारी करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में कोई भी जानकारी नहीं है और पूरे प्रकरण से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, जबकि 3 बच्चे तहसील दिवस में पूरे दिन समस्त अधिकारियों के समक्ष मदद के लिए बैठे रहे। कर्जा के कारण कितना कर्जा था बेटा? 10-12 लाख। 10-12 लाख अभी कोई माफ नहीं हुआ है? नहीं। शिकायत ये कर्जा काफी था और 3 साल से जेल में रहे बच्चे, पत्नी पहले खत्म हो गई आर्थिक तंग के कारण, और जेल से बाहर आए तो उन्होंने भी वो खत्म हो गए, खेत पे जाके फांसी लगा ली पैसों के कारण, काफी कर्जा हो गया था उनके ऊपर। अभी ये बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे कोई आश्वासन नहीं दिया। प्रशासन के लोग का भाई इस पे नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं बोला भाई, इस पे नहीं मिलेगा, फार्म नहीं भरी है, इस पे नहीं मिलेगा, और किसी कारण मर जाते तो दे देती सरकार, नहीं कोई सहायता नहीं मिली।